सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो गए, अच्छे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप सब बैठ जाएं। बड़ी शांति के साथ हम सब बैठेंगे क्योंकि हम अति पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। आमीन। ओ यहोवा यरे, यहोवा शमा, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो ना कभी हमें छोड़ता है ना ही कभी त्यागता है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। आमीन। भला परमेश्वर है, कोई संसार में आपसे प्यार करे या ना करे, पर प्रभु यीशु आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सीखेंगे, थोड़ा सा वचन में से सीखेंगे। एक दिन ऐसा आया, क्या सीखेंगे? थोड़ा सा एक्टिव रहो। क्या सीखेंगे? एक दिन ऐसा आया, और वो कैसा आया उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम सब के जीवन में दिन आते रहते हैं, साल आते, महीने आते हैं, मिनट, सेकंड, घंटे, सब कुछ आता है और यूं ही ख़त्म हो जाता है। कई बार हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, कई बार सोचते हैं कि हम ये बिजनेस को शुरू करें या ना करें, कई बार सोचते हैं कि इस ड्यूटी को मैं ज्वाइन करूं या ना करूं, ऐसे ही सोचते हो। कई बार सोचते हैं हम लोन लें या ना लें कि ऐसे ही काम हो जाए, कई बार सोचते हैं कि हम चर्च जाएं या ना जाएं, दो तरीके सी बातें। कई बार सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे, कई बार सोचते हैं कि पता नहीं मैं चंगा होऊंगा या नहीं होऊंगा। अलग अलग तरीके के साथ हमारे मन के अंदर विचार आते रहते हैं, पर जिस टाइम आप सही फैसला लेते हैं, वो आपके जीवन के अंदर एक दिन ऐसा आता है जिस दिन आप सही फैसला लेते हैं और उस दिन आप आजादी को प्राप्त कर लेते हैं। आमीन। वो आजादी का दिन, बड़े सालों से सोचते हैं, 30 साल, 20 साल, 50 साल, 70 साल लाइफ के बीत गए, जानते हैं कि मेरा जीवन अच्छा नहीं, जानते हैं कि मैं पाप कर रहा हूँ, जानते हैं कि मैं स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं हो पाऊंगा, पर फिर भी लगातार लगातार पाप करते चले जाते हैं। पर जिस दिन लाइफ के अंदर ऐसा एक दिन आता है जिस दिन आप सच्चा पश्चाताप करते हैं और उसके बाद आप पाप नहीं करते, उसके बाद आप वचन को खाते हैं और आपका जीवन बदल जाता है। ऐसा दिन कभी कभी जीवन में, बहुत से ऐसे दिन भी आ जाते हैं जो भुलाए नहीं जाते, जिसके अंदर बहुत दुख होता है। उन सारी चीजों को छोड़ के, सबको, सारी बातें, सारी चिंता, सारी असफलता, दो तरीके के फैसले लेना छोड़ के, जिस दिन वो दिन ऐसा दिन आया,
आएगा आपके जीवन के अंदर जिस दिन आप सही फैसला लोगे और यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेंगे तो नई सृष्टि बन जाएंगे, नए हो जाएंगे। परंतु हमें एक फैसला लेना जरूरी है, अपने जीवन में एक ऐसा दिन को पैदा करना है, अपने जीवन के अंदर ऐसा दिन लेकर आना कि वो दिन कौन सा हो सकता है। उस दिन का मतलब ये नहीं है कि कोई सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, उससे कोई लेना देना नहीं। वो महीना कौन सा है, जनवरी फरवरी कौन सा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है? उससे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु आपको उस दिन से लेना है। वो एक दिन जिस दिन ऐसा कुछ होता है कि आप परमेश्वर को अपना जीवन दे देते हैं, वो दिन आपके लिए एक ऐसा खास दिन है। सबके जीवन के अंदर वो दिन आता है, पर जरूरत है परमेश्वर के सामने घुटने टेकने की, जरूरत है परमेश्वर की उपस्थिति में लगातार बने रहने की, जरूरत है लगातार चर्च आने की। डिसीजन किसका है? डिसीजन आपका है। वो दिन आपके ही जीवन के अंदर ऐसा आएगा, फिर आप यहीं खड़े होकर गवाही देंगे कि एक दिन मेरे जीवन के अंदर ऐसा आया कि मैंने प्रभु को जाना और मैंने अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन के अंदर एंटर कर गया, पाप को छोड़कर नए पवित्रताई के जीवन को अपनाना शुरू कर दिया। वो मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आया, वो ऐसे दिन को बदलाव के रूप में ग्रहण करना है कि मेरे जीवन के अंदर बदलाव आया। जैसे कि मैं अपनी बात बताती हूँ, मेरे जीवन के अंदर भी कोई बदलाव नहीं था। प्रेयर करते थे, वचन भी पढ़ते थे, पर वचन के अनुसार नहीं चलते थे। जब तक हम वचन के मुताबिक नहीं चलते तब तक हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव नहीं। तब तक वो एक दिन हमारे जीवन के अंदर नहीं आ सकता जो बदलने वाला है, जो हमारे जीवन को बदल देगा। मैं भी फिल्मी गाने सुनती थी। अब आप कहेंगे आप तो पास्टर थे, आप तो प्रार्थना करते थे, वचन भी पढ़ते थे। पर जिस दिन मैं ट्रेनिंग में गई वहाँ का सब माहौल चेंज हो गया। संगति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए कहते कि आप डेली चर्चा है। संगति में रहेंगे, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। अच्छी बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें, यानी कि गलत बातों दूसरे को देगा, अगर वो ठीक नहीं तो आप भी अपने जीवन में गलत कुछ करना शुरू कर दे। उन चीज़ों को नहीं लेना, बुराई को नहीं लेना, बल्कि भलाई को लो, अच्छाई को लो, परमेश्वर के वचन को लो, अच्छी बातों को, उन बातों को अपने जीवन में ले लें जिससे आप स्वर्ग जा सकते हैं। उन बातों को अपने जीवन में लें जिससे आप आजाद हो सकते हैं। उन बातों को अपने जीवन में ले लें जिससे आप पाप से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन होगा, स्पेशल डे, वन डे, एक ही दिन होएगा जिस दिन आप अच्छा डिसीजन लेंगे। दो तरह के फैसले ना लें, दो नावों में पांव ना रखें, दो तरीके का जीवन ना जिए। ये दो 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 आपको डुबो के रख देगा, ये दो दो आपको नरक तक ले जाएगा। एक में आ जाइए, परमेश्वर का वचन कहता मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। और वचन में ये भी लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में एक ही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम उद्धार प्राप्त करोगे, सिर्फ एक ही नाम है और वो नाम सिर्फ यीशु नाम ही है। वो एक को पकड़ लो,
को छोड़कर चार को छोड़कर कईयों के जीवन में दो दो ही नहीं बातें आती, चार चार बातें आनी शुरू हो जाती कि मैं ऐसा करूं या ना करूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, अगर ऐसा करूंगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर ये होएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 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 सब दो को छोड़कर एक दिन अपने जीवन के अंदर लेकर आए, उसी दिन डिसीजन ले, अच्छा डिसीजन ले अपने लाइफ का कि आज से मैं पाप नहीं करूंगा, आज से मैं परमेश्वर के साथ रहूंगा और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन व्यतीत करूंगा। वो एक दिन आपके जीवन को बदल के रख देगा, वो एक दिन आपके लिए आशीषों का कारण हो जाएगा। मेरे जीवन में भी था, कभी बदल लिया जीवन, इसको मैं तो यही कहूंगी, यही नहीं कि मेरा जीवन गलत था, प्रभु का अनुग्रह रहा कि आज तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब, हम जब संसार के जैसे ही जीवन जीते हैं तो हम संसारिक जीवन ही है, तो हम अपवित्र ही हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, जब विचार करते हैं तभी वो ही पाप है। परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर को ना मानना भी पाप है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना भी, अगर नहीं करते हम आज्ञा का पालन तो वो भी पाप है। एक मैं भी फिल्मी सॉन्ग सुनती थी और जब तक काम करती रहती थी तब तक सॉन्ग चलते रहते, चल ढेरों ऑडियो कैसेट आती थी ना पुराने जमाने में, वो वाली टेबल कट में लगाने वाली, स्टीरियो था मेरे पास इतना बड़ा, वो मैंने कूड़े में ही फेंका सारा बिना किसी दिए। तो वो गाने बहुत सुनती, लता मंगेशकर और क्या एक और था, मोहम्मद, क्या था, मोहम्मद रफ़ी, ये दोनों के गाने मुझे बहुत अच्छे लगते थे। परंतु मेरे जीवन के अंदर एक दिन ऐसा आया, मेरे जीवन के अंदर बोलिए ना, मेरे जीवन के अंदर एक दिन ऐसा आया कि सारे फिल्मी गाने को छोड़कर 24 घंटे दिन रात परमेश्वर का वचन और आराधना के सॉन्ग चलने शुरू। डिसीजन लेना पड़ा जीवन के अंदर। उस एक दिन को याद करती हूँ मैं जिस दिन मैंने डिसीजन लिया और आज के बाद फिल्मी गाने बंद, आज के बाद सिर्फ आराधना और वचन ही सुनूंगी और उसके बाद कभी ऐसा मौका नहीं आया और ना ही परमिशन ने आने दिया कि गलत संगति करें, गलत गाने सुने। वो मेरे जीवन के बदलने का एक ही दिन था। वो एक दिन आपके जीवन में भी आ सकता है और आप बदलाव को प्राप्त कर सकते हैं।